हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो कैसे निकाला जाता है, ऑपरेटिंग रेशियो को निकालने का क्या तरीका होता है, क्या फॉर्मूला होता है, और पूरा एक क्वेश्चन इस पर करके देखेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अगर आप फाइनेंस पढ़ रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है, और तब आप पता कर पाओगे कि आफ्टर ऑल ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है जानना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो जाइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोज होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग मतलब होता है या ऑपरेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि बिजनेस के होने वाले जो भी आपके डेली रूटीन के काम होते हैं। जैसे मैं जो हूँ कैलकुलेटर बना रही हूँ या ये नोटबुक बना रही हूँ या ये पेन बना रही हूँ, तो जो ऑपरेशंस डेली के हैं वो क्या है कि इसकी कटिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, वो सारे तरीके एक तरीके से क्या है, ऑपरेशनल हमारी चीज़ें चल रही हैं। अब उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ उसमें एक्सपेंसेस लग रहे होंगे। जैसे मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो रॉ मटेरियल आ रहा होगा, अगर मैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो उसमें जितना भी जोड़ तोड़ के सामान लगा है उसका जितना खर्चा है वो होगा। ना ही सिर्फ उसको मैन्युफैक्चर करने में बल्कि उससे पीछे यानी कि उसको सेल करने में, उसको लेकर के ऑफिस के जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं कि भाई उसको जो है कैसे बेचना है, क्या करना है, उस सब खर्चे वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं जब आप बात करते हो ऑपरेटिंग जो है आपके खर्चों के बारे में, कॉस्ट के बारे में, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में, तो वो सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलता है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। That is your operating, ठीक है, operating ratio is equal to your operating cost upon net sale, कि कितनी सेल आपने की है, net sale into 100। अब ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा एक ऐसी वैल्यू जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपने जितना भी सेल किया है उस साल में या जिस भी टाइम पीरियड का आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल रहे हो, तो जितना भी सेल किया है उसका कितना परसेंट या उसका कितना जो था वैल्यू आपने जो है उसमें खर्चों में लगाया है। जैसे मैंने ये कैलकुलेटर सेल किया, एक कैलकुलेटर मैंने 100 रुपये का सेल किया, इसको बनाने में 50 रुपये लगे, इसकी सेलिंग कराने में यानी कि जो मेरे ऑफिस का डिपार्टमेंट था उस सब का खर्चा मिला के इसको 30 रुपये और लग गए, तो पूरा वैल्यू मेरे को इसका कितना पड़ा, 80 रुपये की, जो मेरा इसको लगाने में लगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी मेरा जो इसमें लगा, तो वो क्या हो गया 80 रुपीज़ मान लीजिए। तो अब मैंने बेचा कितने में, 100 रुपये में, तो एक्चुअली में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। तो यहाँ पे इसकी नेट सेल यानी कि 100 और जो इसका पूरा खर्चा लगा यानी 80, तो एक तरीके से 80% यानी कि नेट सेल का 80% या कह लीजिए जो रेवेन्यू मुझे मिला है उसका 80% कहाँ पे गया, इस ऑपरेशनल कॉस्ट में चला गया सारा का सारा। तो अब इसको देखते हैं कैसे निकाला जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला तो हम लास्ट से ही देख लेते हैं, सेल्स रिटर्न ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है, नहीं, सेल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है, नहीं, ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये दोनों हमें काम आएगी जब हम नेट सेल को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए साथ साथ नेट सेल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट सेल का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में कितनी सेल हुई है। आपने देखो सेल तो की थी 6 लाख की, सेल तो की थी 6 लाख की, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है सेल हुई है आपकी 6 लाख की, 6 लाख की, पर सेल रिटर्न भी तो हुई है। कुछ माल ऐसा था जो आपने बेच दिया था परंतु किसी कारणवश क्या हुआ, उसका रिटर्न कर दिया गया कि उसको जो है आपके मुंह पे ला करके मार दिया गया, वो क्या है 20,000 का, ठीक है, 6 लाख की सेल आपने की जिसमें से 20,000 का अमाउंट आपके पास या सेल आपके पास वापस आ गई ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब नेट सेल कितनी है यानी ओवरऑल एक्चुअल सेल कितनी हुई है, वो हुई है 5,80,000 रुपये की, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर नेट सेल, नेट सेल आपके पास यहाँ निकल के आ गई। अब बाकी की चीज़ें क्या बची हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी कि जो सामान आपने बनाया है उसको कैसे सेल करना है, उसको कैसे कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूशन तक लेके जाना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यानी ऑफिस में जो काम चल रहा है उसके एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तीनों आपके रिलेटेड है किससे, ऑपरेटिंग रेशियो से, ऑपरेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट से, माफ कीजिएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट से, यानी कि ऐसे सारे खर्चे जो कि ऑपरेशन में आपके लग रहे हैं। पहला आ गया COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि है 4 लाख रुपये, जो कि है 4 लाख रुपये,
प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दैट इज योर प्लस 30,000 rupees. नेक्स्ट इज योर प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो कि कितना है 20,000 rupees. तो अब टोटल ये कितना हो गया 430,000, 20,000, यानी कि आपका 450,000 बोले तो 450,000, ठीक है 450,000. और यहाँ पे आपके पास कितना अमाउंट आया था 580,000. अब आपको जानना है, देखिए नेट सेल आपने की 580,000 की, आपने जो सेल करके अमाउंट लिया वो है 580,000, और उन्हीं को बेचने में यानी कि उसको बनाने में जो है जो भी खर्चा आया वो कितना आया 450,000 रुपये का. तो यहाँ पे ऑपरेशन रेशियो निकालेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे, ऑपरेटिंग रेशो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 450,000 डिवाइडेड बाय 580,000 इंटू हंड्रेड. अब आप इसको सॉल्व करें, देखिए इसको सॉल्व करें तो 450,000 डिवाइडेड बाय क्या था 580,000 एंड इंटू 100 यू विल गेट 77.58. ठीक है, तो पूरा हम ले लेते हैं 77.59. इसको हमने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया, 58 था तो पीछे 6 है तो हमने क्या किया 59 कन्वर्ट कर दिया. तो 77.59 इज योर परसेंट इज योर ऑपरेटिंग रेशियो. यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो क्या निकला है 77.58%. इसको रेशियो में भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है आप 100 हटा दीजिए. नॉर्मल अगर आप इसको दूसरी रेशियो में परसेंटेज में ना निकाल कर नॉर्मल निकालना चाहे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, 100 मत यूज़ कीजिए डायरेक्ट, फिर आपके पास आ जाएगा 450,000 डिवाइडेड बाय 0.77. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल रेशियो की फॉर्म में, यहाँ पे हमने परसेंटेज की फॉर्म में निकाला है. अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्वेश्चन होने के बाद इसको क्या इंडिकेशन देनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको वन लाइनिंग टू लाइनिंग में एक्सप्लेन करना पड़ता है दैट व्हाट इज एक तरीके से इस रेशियो के थ्रू क्या दिखाया जा रहा है, क्या शो किया जा रहा है. तो आप यहाँ लिख सकते हो द रेशियो indicates that 77.59% of net sale have been consumed by cost of goods sold. ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ तो आप देख लीजिएगा, administration expenses and selling and distribution expenses. द रिमेनिंग जो भी रिमेनिंग है यानी 100 में से जो बचा जो कि आपका अप्रॉक्स आएगा 23.41 के अप्रॉक्स परसेंट क्या है, ये इंडिकेट करेगा, इंडिकेट्स अ फर्म्स एबिलिटी कि इसके पास जो है बाकी का जो बचा हुआ है उससे ये क्या कर सकता है, एबिलिटी टू कवर द इंटरेस्ट चार्जेस जो भी बाकी के खर्चे हैं जैसे कि इंटरेस्ट के चार्जेस हो गए, इनकम टैक्स हो गई या फिर डिविडेंड हो गई, वो सारे पेबल के जो खर्चे होंगे वो बाकी के जो बचा हुआ पैसा है जो कि है 23.41 उससे निकाला जाएगा. यानी कि जितना भी एक्सपेंस हुआ उसका जो है 77.59 तो आपका जा रहा है इन सब खर्चों में, बाकी जो खर्चा बचा है, बाकी जो अमाउंट बचा है दैट यू गाइस कैन यूज इफ़ यू आर अ फर्म और जो कि है आपकी अगर अभी ऑपरेटिंग निकाल रहे हो तो बाकी का जो परसेंटेज है उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप बाकी के अपने इंटरेस्ट जो पेबल हैं वो निकाल सकते हो, डिविडेंड के खर्चे निकाल सकते हो और इनकम टैक्स पे कर सकते हो. तो ये आपके लिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट करना है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.